नाइन्थ राउंड ऑफ भारत की इलेक्शन यात्रा आज पहुंची है आगरा में। आगरा मशहूर है ताजमहल के लिए। ताजमहल जाना जाता है मोहब्बत की निशानी के तौर पर। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान लेकर चल रहे हैं। मौजूदा सीजन में इसी आगरा शहर में पहली बार एक साथ मंच पर नजर आए थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। दावा इस बात को लेकर कि मोहब्बत की दुकान के पकवान लोगों को पसंद आ रहे हैं। आगरा मशहूर है पेठे की मिठास के लिए भी, तो आगरा की जनता इस बार पेठा किसको खिलाने वाली है? बीजेपी को लगातार चौथी जीत के लिए, केंद्र में हैट्रिक के लिए, या फिर पासा पलटने वाला है? करेंगे आगरा की जनता से चर्चा। आगरा के नेता भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सवाल इस बात को लेकर होगा कि एक अकेले मोदी को रोकने के लिए विपक्ष के हथकंडे क्या कामयाब होंगे? करेंगे इस पर चर्चा। यहां से थोड़ी दूर पर टाइम्स टाउन और भारत की इलेक्शन यात्रा का मंच सजा है। आगरा की जनता मौजूद है, नेता मौजूद है। मैं जब तक पहुंचता हूं मंच पर लोगों से संवाद करता हूं। थे आपका ताज नगरी आगरा में, और हम आगे बढ़कर ताजमहल से आगे बढ़कर पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर मंच सजा है, जहां पर आगरा की जनता मौजूद है, जहां पर नेता मौजूद है। और चूंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है, तो आप यहां पर आएंगे तो या तो आपको इस तरीके से तांगा गाड़ी मिलेगी या फिर गोल्फ कार्ट मिलेगा। तो एक तांगे के जरिए हम इस तरीके से सफर करते हुए उस जगह पर पहुंचे हुए हैं जहां पर जनगण का मन, इलेक्शन यात्रा का मंच सजा हुआ है आगरा की धरती पर। और अब मैं सीधे रुक करूंगा उस जगह का जहां पर जनता और नेता इंतजार कर रही है। सीधे पहुंचते हैं मंच की ओर, क्योंकि यहां पर आगरा की जनता, एक बार सबसे पहले आप लोग अपने लिए तालियां बजाइए। बड़ी संख्या में आगरा के लोग यहां पर मौजूद हैं। देश के मुद्दे क्या हैं, आगरा के मुद्दे क्या हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इंडी की पतंग की डोर कट रही है, तो वाकई क्या है? विपक्ष के मुद्दे क्या हैं? इन सभी चीजों पर चर्चा हो रही है। लेकिन आप देखिए, हमारी आहट सुनकर, हमारी दस्तक सुनकर ही किस तरीके से नारेबाजी शुरू हो रही है। मोदी 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 अखिलेश भंजी भंजी अखिलेश 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 जिंदाबाद। नहीं नहीं, सब तो ठीक है, आप अपने नेता की नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि इंडी पतंग की डोर कट रही है। इंडी पतंग की डोर कट गई है, आप लोग क्या कहेंगे? वो पतंग डोर अभी कटी नहीं है, वो मांगे ही नहीं, वो काट दे। मोदी जी उनके हाथ में पतंग है ही नहीं, पतंग तो किसी और के हाथ में है। भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, राहुल गांधी। आप ये देखिए, राहुल गांधी का जिंदाबाद। आप महिला हैं, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि एक तरफा 400 पार। बिल्कुल 400 पार। महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है। इतना जोश है, इतना उत्साह है कि बहने 100% वोटिंग कर। क्या मुद्दा क्या है आपके लिए, मुद्दा क्या है? 400 पार। मुद्दा भी यही है, मुद्दा नहीं है, बिना मुद्दा के चुनाव में है। राष्ट्र 2047 हमारा मुद्दा है, बस वही तक हमें देखना है। आपका मुद्दा क्या है भैया? बोलिए बोलिए। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की कहाँ बात करने लगे? स्वास्थ्य, रोजगार, ये है आज के मुद्दे इस देश के। आपका क्या है भाई? विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत। चलिए मैं मंच पर चलता हूँ, मैं आऊंगा, सबके बीच आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूँ। और आप ये देखिए, मेरे दाई ओर हिमांशु त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर जी एस धर्मेश हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं आगरा कैंटोनमेंट सीट से। मेरी बाई ओर यानी इस ओर चौधरी वाजिद निसार साहब हैं, जो कि नेता हैं समाजवादी पार्टी के। यामीन कादरी साहब हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। और डॉक्टर भारतेंदु अरुण जी हैं, वो नेता हैं बीएसपी के। बीएसपी का कितना स्टेक है। लेकिन इससे पहले कि मैं नेता लोगों का रुख करूं, एक बार फिर से जनता के बीच जाऊं, एक रिपोर्ट आपको दिखाना जरूरी है। और ये रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से कहा कि इंडी की डोर कट चुकी है, विपक्ष ने कैसे पलटवार किया है। तो जितनी जनता मौजूद है और नेता मौजूद है, उनके रेफरेंस के लिए एक रिपोर्ट सामने, टीवी भी है, आप एक रिपोर्ट देखिए 2 मिनट की, फिर उसके बाद डिबेट यहां से शुरू करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश को विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए इंडी गठबंधन एकजुट है। दूसरे दौर के मतदान से पहले आज रांची में इंडी गठबंधन के नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि वो पूरी मजबूती के साथ एकजुट है और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई क्या है,
भाजपा को भगाओ, देश का संविधान बचाओ। इस बार इनको कहना है तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। 400 पार को क्या कहना है आपको, क्या कहना है? तड़ी पार। हम लोग पूरी मजबूती के साथ पूरा इंडिया अलायंस एकजुट है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते हैं, जो हमारी परंपरा रही है सेक्युलरिज्म की, उसको बचाना चाहते हैं। अवसरवादी इंडिया अलायंस बना लिया है, उसकी पतंग उड़ने से पहले ही कट गई है। कहने को तो गठबंधन है, लेकिन आप हालत देखिए, कई राज्य हैं जहां गठबंधन वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। मोदी जी ने इस देश में से परिवारवाद को नाबूद किया, जातिवाद और तुष्टिकरण को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी देश के लिए बड़े और कड़े फैसले लेने की बात कर रहे हैं। मोदी साफ साफ कह रहे हैं कि आखिरी दम तक वो देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। इंडी गठबंधन के लोग मोदी सरकार के काम पर सवाल तो उठा ही रहे हैं, अब तो मोदी सरकार के लाए गए कानून को भी रद्द करने की बात कर रहे हैं। You ask me which are the five laws that will be repealed. I'm reading that portion. Repeal five laws. One, the Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list. इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के नेता सनातन के मुद्दे पर विपक्ष पर हमलावर है, तो राम मंदिर पर विवादित बयानबाजी करने वाला विपक्ष अब पलटवार कर रहा है। कांग्रेस के लोग क्या कहते थे, राम हुए ही नहीं। जब राम हुए ही नहीं तो गांधी जी क्या कहते थे, हे राम। अंत में उन्होंने कहा था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी के नाम पे जिन लोगों ने जीवन भर सत्ता की सत्ता पियाई, वे लोग राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये केवल राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने की कुप्रति नहीं, यह भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का कांग्रेस का कुत्सित चेष्टा थी। लोग अब बताएंगे कि कौन सनातन है, कौन इस्लाम है, कौन क्रिश्चियन है, चूंकि उनके पास ये सारी चीजों की डिग्री है। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि हम मादरे वतन माँ भारती की संतान है और हिंदुस्तानी है, इसलिए अब उनको बहुत पेट में दर्द है। अरे वो क्या जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्या है। मैं बोलता हूँ मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव है, सियासी पार्टियां वार पलटवार में लगी हुई है, लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता का मन टटोलने नव भारत की इलेक्शन यात्रा पहुंच चुकी है ताज नगरी आगरा। आगरा लोकसभा की बात करें तो यहां बीजेपी जीत का चौका लगाने की तैयारी में है, तो समाजवादी पार्टी आखिरी बार 2004 में यहां जीती। दलित वोटर की बड़ी संख्या होने के बाद भी बीएसपी यहां से जीत नहीं पाई। अब की बार बीजेपी ने एसपी बघेल पर फिर से भरोसा जताया है, तो समाजवादी पार्टी ने सुरेश चंद्र कदम तो बीएसपी ने पूजा अमरोही को मैदान में उतारा है। अब सवाल है आगरा की जनता अब की बार किसे जीत का ताज पहनाएगी। इसी सवाल का जवाब जानने सीधे चलते हैं जनता के बीच इलेक्शन यात्रा में। ये ताज महल जो चाहतगी आंखों का सुनहरा मोती है, हर रात जहां दो रूह। तो ये ताज नगरी में मौजूद है और देखिए जनगण का मन है इलेक्शन यात्रा में, तो इसीलिए जनता जनार्दन बड़ी संख्या में मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं इंडी पतंग की डोर कट गई है, भ्रष्टाचार को लेकर वार कर रहे हैं, तो मैं शुरुआत इधर से करता हूं। चार बार से आगरा में समाजवादी पार्टी दूसरे नेता हार रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं वो थकते नहीं हैं, उनको काम की भूख है और इसीलिए विपक्ष हारता है। मैं बताना चाहूंगा आज इस चैनल के माध्यम से, ये आगरा ताजमहल जो ताज नगरी है, लव प्यार की नगरी है, 14
सन 2014 29 नवंबर को प्रधानमंत्री आगरा में आए हुए थे और उन्होंने कोठी मीनाया फील्ड से बोला था कि आगरा में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और स्टेडियम आपका मुद्दा है। मैं मोहब्बत की दुकान का क्या, ये मोहब्बत का शहर आपने कहा तो बात सुन लीजिएगा, आज मेरी बात सुन लीजिएगा। आज भारत में हिंदू मुसलमान और दलित को, शोषितों को, वंचितों को आज उनके हक और अधिकार से वंचित कर रही है। कौन वंचित कर रहा है? भाजपा सरकार। कैसे वंचित कर दिया? वंचित कर मैं बताऊंगा। कौन सा अधिकार छीन लिया? एक इतने लोग हैं, अकेले आपसे नहीं बात होगी ना। हाँ बताइए। उज्ज्वला योजना देखे और गरीबों को हम ये उज्ज्वला योजना जो पार्टी दे रही है या फिर सुलभ शौचालय है, आवास योजना, नहीं वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों का हक छीन लिया, माइनॉरिटीज का हक छीन लिया। 13 करोड़ आवास योजना 13 करोड़ आवास योजना देखकर क्या हिंदू देखा, क्या मुसलमान देखा, क्या दलित देखा, क्या देखा उसमें? सबको साथ सबका जनधन योजना के साथ में सबका खाता खुलवाया, सबके खाते में पैसे डलवाए। तो आप लोग डरा रहे हैं मुसलमानों को बीजेपी के नाम पर। होना चाहिए, वो मुद्दे नहीं ले आप लेके आ रहे। महंगाई का मुद्दा है, शिक्षित होने का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। मोदी जी कहते हैं भारत देश विकसित हो चुका है, तो फिर 5 साल राशन किनको दे रहे हैं? गरीबों को दे रहे हैं, बेरोजगारों को दे रहे हैं? ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो आने वाले 5 साल और भीख देना चाहते हैं जनता को। हमें चाहिए रोजगार, रोजगार चाहिए, रोटी हम खुद कमाने नहीं। तो ठीक बताइए, तो फ्री बिजली वाला भी नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना, तो आप उन नेताओं को नकारेंगे जो फ्री बिजली? जनता जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है। महिलाओं को अभी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये मणि नहीं। बात आपकी ठीक है, तो पहले आप बोलिए कोई फ्री नहीं चाहिए, चाहिए अच्छी सरकार, शिक्षा, ये बात आपकी ठीक है। कुछ भी फ्री में नहीं चाहिए ना, होनी चाहिए शिक्षा फ्री होनी चाहिए जिससे गरीबों के बच्चे आगे पढ़ के पहुंचे। सिलेंडर बिजली ये सब फ्री नहीं चाहिए, शिक्षा फ्री होनी। बहुत सही बात है, नौकरी ठीक है। जो नेता है वो नेता यहाँ के लोगों की आवाज सुन ले, और मैं इसलिए आगरा की जनता की तारीफ करूंगा जो ताल ठोक कर कह रहे कि भाई फ्री कुछ नहीं चाहिए। तो कोई भी नेता मैनिफेस्टो में ये कहता है कि हम बिजली फ्री देंगे, कुछ भी फ्री देंगे, तो वो ये सोचे कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। चलिए रुक जाइए, रुके रुके अब आपके नेता लोगों के पास जाऊं, नहीं तो नाराज हो जाएंगे ये लोग कि हमारे पास नहीं आए बुलाकर। वाजिद साहब पहला सवाल आपसे, अरे रुकिए भाई, पहला सवाल आपसे है मोहब्बत की दुकान इसी आगरा में नारा लगा था, अखिलेश यादव भी आकर बोल कर गए थे। मोहब्बत की दुकान का पकवान पता नहीं लोगों को पसंद नहीं आ रहा है? क्या पसंद नहीं यार, लोग कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान का पकवान पसंद नहीं है। बात सुनो, पसंद आ रही है? पसंद है, ये देखिए राकेश भाई पसंद आ रही है, है आपका ये आगरा की जनता को पसंद आपके पास आऊंगा। आ रही है पसंद, पसंद आ रही है। हाँ चलिए देखो पसंद आ रही है। हाँ ठीक है, मिली जुली। अब मुझे एक बात, रुकिए यामीन कादरी, आप यामीन कादरी साहब आपसे सवाल है। यामीन कादरी साहब, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इंडी पतंग की डोर कट गई है। पतंग तो ओवैसी जी की, मोदी जी के हाथ में है, इसी कारण आज तक उनके खिलाफ भारत के हिंदुओं को गाली देने पर एक मुकदमा भारत में कायम नहीं हुआ। पतंग की डोर मोदी जी अमित शाह जी के हाथ में है, जो ओवैसी जी के रूप में है। उनको माइक लेकर बोलिए, आवाज दे। ओवैसी जी के आदमी को फडणवीस जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, हवाई जहाज में गाली हिंदुओं को देने पर बिठाल कर लाते हैं अदालत में। इससे बड़ी पतंग की डोर इस भारत में हो नहीं सकती। ठीक है कादरी साहब, आपके किन नेताओं ने भगवा को आतंकवाद से जोड़ दिया? क्या क्या एंटी हिंदू स्टेटमेंट दिए मैं गिनाऊं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन कांग्रेसियों ने भगवा को या आतंकवाद को विरोध किया वो आज भाजपा के पाले में माधव राव सिंधिया के पास। अरे कहाँ पाले में है? अरे आपके चौहान जी, कादरी साहब, अरे अरे सुनिए सुनिए सुनिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिख कर आइए सर, जनरल नॉलेज थोड़ा सा तैयार रखिए। आप देखिए पी चिदम्बरम कहाँ है, शिंदे साहब कहाँ है जो यूपीए सरकार में गृह मंत्री हुआ करते थे? भगवा की बात कहाँ से लिया है पतंग से? नहीं मैंने तो पूछ दिया आपसे, भगवा की बात पतंग होने के मैंने तो आपसे पूछ दिया। आपने ओवैसी को लेकर बात कही कि वो पर, मैंने पतंग पर कही है कहल वाली। चलिए धर्मेश साहब आरोप लग रहा है कि ओवैसी के, रुकिए आप जवाब लेने दीजिए, कुछ सवाल आया तो उधर से। आरोप लग रहा है कि आप लोग मिले जुले हुए हैं ओवैसी को, आप लोग कहते हैं कि वो बोले कुछ। धर्मेश साहब आपसे सवाल था, बताइए। सवाल यह है कि ये कह रहे हैं कि ओवैसी को आप लोग प्लांट करते हैं कि वो बोले और उन बयानों का फायदा आपको चुनाव में मिले। देखिए ओवैसी
जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। जो ओवैसी है वो ओवैसी है, वो अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई संबंध लेना देना नहीं है। जय इस वजह से उनको अनावश्यक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना, ये इन लोगों की जो घटिया सोच है। और ओवैसी जी अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनका अलग सोच है, भारतीय जनता पार्टी का अलग सोच है। ठीक है, इस वजह से ओवैसी जी को भारतीय, ठीक है, रुक जाइए। हिमांशु त्रिपाठी जी, आप यहाँ की सियासत को समझ रहे हैं। ओवैसी को लेकर, राम को लेकर बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें काम कितनी भूख है, वो जिस दिन संतुष्ट हो जाए उस दिन शायद लोग उन्हें हटा दें, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है। चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, चुनाव को इस तरह से समझिए कि पिछली बार दो लड़कों की जोड़ी जब आई थी, सपा बसपा गठबंधन एक साथ लड़े थे और महज 38% वोट मिला था सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी को, जबकि एसपी सिंह बघेल को 56% वोट मिला था। आज दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, किस आधार पे जीत का सपना देख रहे हैं आप ये बताइए। जमीन पे कहीं नजर आते नहीं, कोरोना में कहीं दिखते नहीं, बूथ पे संगठन है नहीं, कैसे चुनाव लड़ेंगे ये लोग, क्या आधार है? मैं अपील कर रहा हूँ भाई, आप लोग शांत हो जाइए। ये मोहब्बत की दुकान की ये तस्वीर नहीं है, ये मोहब्बत की दुकान की ये तस्वीर नहीं है। आप लोग कह रहे थे मोहब्बत की दुकान का पकवान पसंद आ गया, तो ये तो मत करिए भाई। आप लोग पढ़े लिखे, मैंने पहले ही कहा था कि मर्यादा में रहिए आप लोग, तो मर्यादा मत तोड़िए। गलत मोहब्बत की दुकान अगर आप लोगों को पसंद आई तो उसका परिचय भी दीजिए, आपस में बात मत। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने जिस तरह गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उनको गरीब जनता को सीधा लाभ मिला है, ठीक है, उसे भटकाने का काम ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और जो मूल मुद्दों पर नहीं आना चाहते, मूल मुद्दों पर नहीं आना चाहते, ठीक है। मैं बताना चाहता हूँ, जवाब ले लेता हूँ, कादरी साहब जवाब दीजिए, फिर आपके पास आ रहा हूँ। कादरी साहब एक जवाब, आगरा का लोकल का चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने रोजगार चाहिए, लोगों को आवास दिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, कनेक्शन चाहिए, 4 साल से लोगों को जो फ्री में राशन मिला है, इसी वजह से लोग इनको जो भटकाना चाहते हैं। आप गरीबों को जो राशन मिला है तो उनको क्यों परेशानी हो रही है? ये चाहते हैं ये समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं, कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं, धर्मेश साहब सर कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं, पहले आप बोलिए। अरुण साहब इसके बाद आ रहा हूँ, थोड़ा समय दीजिए। हाँ, इन्होंने कहा कि आप लोग जनता को सिर्फ भ्रम में डाल रहे हैं, इसके अलावा कुछ स्ट्रेटजी क्लियर नहीं है किसी भी मुद्दे पर। देखिए, माननीय मंत्री जी ने कहा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अरे रुकिए, मत नारेबाजी करिए, मैं आ रहा हूँ अभी आप लोगों के पास, वरना यहीं पर रह जाऊंगा। मत करिए, शांत शांत रहिए, बोलिए सर, बोलिए। देखिए, जो राशन की बात है, जो राशन पहले भी गरीबों को पिछली सरकारों ने दिया है और देती रहेंगी, राशन अब नहीं चाहिए, इनको रोजगार चाहिए। रोजगार पे बात हो, विकास पे बात हो, शिक्षा पर बात हो, स्वास्थ्य पर बात हो, हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, विकास पर बात हो। हमें फ्री राशन नहीं चाहिए, 5 किलो घुन लगा गेहूं नहीं चाहिए हमको, इस गर्मी में बाजरा नहीं चाहिए हमें, मक्का नहीं चाहिए 1 किलो। इसलिए बात हो रोजगार पे, शिक्षा पर, ठीक है। आज शिक्षा में 6,000 रुपए का कोर्स है फर्स्ट क्लास का, ठीक है सर। भारतेंदु अरुण जी, एक प्रतिक्रिया आपकी भी, आपकी पार्टी को लेकर लोग कह रहे हैं कि अधिक जगह पर तो आप वोट काटने के लिए खड़े हो गए हैं, इनडायरेक्टली आप सपोर्ट कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी किसी गठबंधन में नहीं है, बहुजन समाज पार्टी अपना निष्पक्ष चुनाव लड़ रही है। हाँ। और बहुजन समाज पार्टी त्रिकोणी चतुष्कोणी मुकाबले में जीत करके आती है। आप लोग जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग 400 पार आएंगे, तो फिर गठबंधन क्यों कर रहे हैं? जरा जरा से दलों से 4-4 सीटों में गठबंधन कर रहे हैं, जब 400 सीट आ ही रही हैं, तो फिर गठबंधन की जरूरत क्या है? ठीक है, वाजिद साहब, वाजिद साहब एक सवाल आपसे, अगर कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि सीए वापस ले लेंगे, कोई राम की बात कर रहा है, तो क्या पूरी स्ट्रेटजी सिर्फ ये है कि तुष्टिकरण वाली सियासत के जरिए मोदी को हरा देना है? देखिए राकेश भाई, ये आगरा शहर है, मोहब्बत का शहर है, और लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, तो मेरी छोटी सी राय आपको यह है कि यहाँ के मुद्दों पे हम बात करें तो ज्यादा अच्छी बात नहीं, है नहीं, दोनों बात करेंगे, एक मिनट, यही मैं कहना चाहता हूँ, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। वो लोकल नेता है, मुद्दों पर बात करें, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता या कोई भी नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है, अच्छी बात, राष्ट्रीय मुद्दों पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है, वो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता करेंगे। चलिए बता दीजिए, फिर 4 बार से यहाँ पर जीत क्यों नहीं पा रहे हैं?
चार बार से यहाँ पर आगरा में जीत क्यों नहीं पा रहे हैं? नहीं तो उससे पहले दो बार हम जीत रहे थे तो भाजपा क्यों नहीं जीत रही थी 99 और 2000? आप अपने हिस्से का जवाब दीजिए ना। अरे आप अपने हिस्से का जवाब दीजिए, भाजपा के हिस्से का जवाब क्या है? आज लोगों को इन्होंने जिस तरीके से बेवकूफ बनाने का काम किया, झूठे वादे करने का काम किया, उसमें लोग आ गए। कौन बेवकूफ बना रहा है? 10 साल भाजपा वाले, अब 10 साल इनके इनके फेवर से निकल आए लोग। एक भी आरोप बताइए, इनके वादे थे वो सब झूठे साबित हो गए। अच्छा, अब 2024 है, अब 14 नहीं है, 24 है, और 24 में इनकी गलतफहमी आगरा की जनता निकाल दे। चलिए ठीक है, मैं फिर से एक बार जनता के बीच जा रहा हूँ और फिर इस बात को लेकर चर्चा होगी। भाई किसकी गलतफहमी दूर हुई है? ऐसा सर, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, पर लेकिन जो लॉन्ग टर्म में जो बेनिफिट देगा लोग उससे जुड़ेंगे। आज कौन लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे रहा है? अब ये सबको जानता है कि फ्री का जो सिस्टम चल रहा है आजकल, तो अरे नाम लीजिए ना, कौन फ्री का सिस्टम दे रहा है? ऐसा है जी, मैं किसी के फेवर में तो नहीं, लेकिन मोदी जी जो है लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देने के लिए पूरी योजना बना रहे हैं, वो बेटर है। आप बोलिए, आपने अभी नहीं बोला है, बोलिए किसका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा ये है सर कि पहली बार मैंने अपनी लाइफ में, जब ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो ये कहते थे कि डॉलर, जिस देश में डॉलर महंगा हो जाए और रुपया गिर जाए उसका प्रधानमंत्री को भूखा मारना चाहते हैं। डॉलर की कीमत क्या है? इन्होंने क्या भारत सरकार में रोजी रोटी छीन ली, आपसे पूछा बलात्कार इसमें जो लगे ऊपर है और ये चाहते हैं कि भारतीय ऊपर है, पता नहीं है। उसके बाद आप डॉलर पर सवाल क्यों नहीं करेंगे? 80 से ऊपर है, लोगों से राशन जब पहुंचा रहे हैं। अब रुपया, अरे रुको ना, अब जब से डॉलर गिर रहा है तो क्या प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी है? भ्रष्टाचार हो रहा है ना, प्रधानमंत्री हो रहा है कि अरे एयरबेल बेच दिए, सब प्राइवेट कर दिए उन्होंने, जो सरकारी चीज थी क्या प्राइवेट हो गया? अरे जहाज बेच दिया, कौन सा जहाज बेच दिया? कौन सा जहाज बेच दिया? कितने एयरबेल थे? एयर इंडिया। सवाल रुकिए रुकिए, आपको सवाल किससे पूछना है, सवाल बताइए। मैं आगरा का वासी हूँ, मैं आगरा की बात करता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये उससे क्या पूछेंगे, नेता लोग से पूछे भाई, भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप लोग हमेशा हवा हवाई बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आगरा के मुद्दों पे कोई क्यों नहीं बात करता है? आगरा में बैराज की बात हुई थी, आगरा में स्टेडियम की बात हुई थी, आज आगरा में ऐसे कई कई दावे करके प्रधानमंत्री गए थे इन लोगों के धर्मेश। जवाब ले लूं एक मिनट, बस एक मिनट। और आज क्या वजह है जो इनका फतेहपुर सीकरी का वर्तमान का सांसद आज गांव में नहीं घुस पा रहा है, गांव के बाहर से निकल जाता है, जिस गांव में वो जाता है? पूछिए, जवाब चाहिए ना। धर्मेश जी बोलिए, ये कह रहे हैं बराज स्टेडियम क्या हुआ इस वादे का? भाजपा के विधायक, अरे सवाल लूंगा, जवाब सुनिए ना, ये आपके पास। अरे भाजपा के विधायक भाई ने सवाल पूछा, जवाब ले दीजिए, बोलिए धर्मेश। देखिए मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने दो बात कही है, एक तो हवाई अड्डे की बात कही है, दूसरी बैराज की बात कही है। हवाई अड्डे के बारे में बताना चाहता हूँ कि लोकसभा के चुनाव के बाद में ये PIV की बैठक होने वाली है, मंत्री उसका समूह। पहले क्यों नहीं, चुनाव के बाद में क्यों होती है? वादा लोकसभा चुनाव के पहले का था, अब लोकसभा चुनाव के बाद होने वाली है। आप लोग सरकार में नहीं रहेंगे तो कहाँ से बैठक कर लेंगे, कहाँ से मीटिंग कर लेंगे? शुरू हो जाएगा, आप बताइए मुझे, जब आप लोग सरकार में नहीं रहेंगे तब कहीं बैठक करेंगे? अब लोकसभा चुनाव के बाद जब सरकार में नहीं रहेंगे, मैं बता रहा हूँ, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री और 19 में बोल के गए, अब फिर 24 में बोल के गए, 22 में बोले हैं, 24 में भी उन्होंने, 22 में भी विधानसभा चुनाव था जब भी बोल के गए थे, आज तक वहाँ किसी प्रकार की कोई ईंट नहीं। और बात अगर रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, मैं इधर से सवाल लेता हूँ, कौन सवाल पूछेगा भाई? आपने तो लोगों के लिए रोजी रोटी छीनने का बात किया, हल्ला हत्या लूट डकैती बलात्कार ये सब आपके जो शासन में होता था। रुकिए छीनने की बात, इधर से धर्मेश जी, हो गया अरे इधर से सवाल लेने दीजिए, सवाल विपक्ष से ये बात, नेता के नाम बोलकर बोलिए, किससे सवाल है? विपक्ष से हम ये पूछना चाहते हैं, फ्री राशन की ये लोग बात कर रहे हैं, मोदी जी ये राशन कोरोना काल में सरकार ने स्टार्ट किया था मुफ्त वाला, उसे एक समुदाय के हिसाब से उन्होंने कंटिन्यू किया है, कोई ये ऐसा नहीं है कि राशन 2019 में भी। सवाल क्या है, सवाल बताइए? सवाल यही है कि जिस मुफ्त के राशन की ये बात कर रहे हैं वो मुफ्त राशन नहीं है, सिर्फ एक जरूरतमंद के हिसाब से सरकार ने। लोगों ने सवाल कह रहा हूँ, जैसे कि बैराज नहीं बना तो उसके कई टेक्निकल पहलू है, इसलिए नहीं बना। पर सवाल पूछिए ना भाई, किसका सवाल? सुनिए, हमें ना बैराज चाहिए, ना हमें एयरपोर्ट चाहिए, बेटी सुरक्षित चाहिए, मोदी के हाथ में हिंदुस्तान चाहिए। वाजिद साहब, अरे रुकिए, वाजिद साहब, जनता का एक बहुत बड़ा मसला ये है, और मसला ये है कि कानून व्यवस्था, मसला ये है कि बहन बेटियां सुरक्षित हो तो फिर
सब ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी का शासन है, मोदी योगी के शासन में हो रहा है, जवाब लेने दीजिए, पूरा कानून का शासन है। सरकार में 7 साल से यूपी में है और कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, इनसे ये पूछो इन्हीं के पार्टी के मंत्री के पोते ने एक लड़की पर गाड़ी चलाई, उस पर क्या कार्रवाई हुई? यही आगरे में ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठे आरोप लगाते और अपने गिरबान में झांक के नहीं देखते। लेकिन आंकड़ा है, मंत्री का नाती अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। वाजिद साहब एक आंकड़ा है, सुनिए ना सर, सुनिए एक आंकड़ा है और वो आंकड़ा ये है कि सपा राज में पहली बार यूपी 5 अपराधों में नंबर वन हुआ था, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। आप आपका आंकड़ा उठा के देख ले के यूपी किस कितने नंबर पे है, हा? पूरे देश में यूपी किस नंबर पे है आज बताइए, आप बताइए कौन से नंबर पे है यूपी, आप बताइए ना, आप आंकड़ा अगर तैयार करके आए, मैंने तो एक आंकड़ा बता दिया। अच्छा चलिए, आज यूपी अपराध में पहले नंबर पे है। अच्छा चलिए, अरे रुकिए भाई रुकिए ना निशान साहब, एक सवाल जो लोगों का बड़ा ये है और बड़ा मुद्दा ये है, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और लोग कह रहे हैं कि यूपी में पहले बहुत बुरी स्थिति थी और लोग एक बार फिर से उसी पर वोट करेंगे। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर बुरी स्थिति थी जब अदर सरकारें थी, भाजपा से अदर। मैं पूछना चाहता हूं कि हाथरस की एक दलित बेटी के संग बलात्कार करके उसको जला दिया गया, उससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती। खीरी के अंदर एक बेटी के ऊपर जिस तरीके से मंत्री पुत्र, गृह मंत्री जो आज भी है, उसके पुत्र द्वारा जिस तरीके से मारा गया और उसके खिलाफ रात के 2 बजे सब ठीक है, क्रॉस ले लीजिए आप हाथरस पर बात करिए, बहुत अच्छी बात है। सुनिए ना, पहले सुनिए तो संदेश खाली पर आपके नेता चुप क्यों थे? अरे यूपी, अरे हमारी नेता रात के 2 बजे संदेश खाली पर नेता क्यों चुप थे? आपने सुना संदेश खाली पर किसी का बयान? आप लोगों ने सुना क्या संदेश खाली पर बयान? दिल्ली में लड़की की हत्या होती तब कोई कांग्रेसी नहीं बोलता, कोई सपा वाला नहीं बोलता है। आज हाथरस में राजस्थान में भी कोई नहीं गया है, विपक्ष वाले राजस्थान में भी कोई नहीं गए। सुनी जा रही हो, देश की सुरक्षा शांति और नहीं लगना, इसीलिए वोटिंग करना चाहिए हम लोगों को। और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर निरंतर जो कार्रवाई कर रहे हैं मोदी जी और आगे भविष्य में भी करते रहे, भ्रष्टाचार नहीं होगा तो विकास होगा। सर आप यूपी आज नंबर वन पे है, यूपी आज नंबर वन पे है टॉप, योगी जी ने कमाल कर दिया है, उनका जवाब नहीं है तो हमको योगी में यूपी सुरक्षा के मामले में नंबर एक पर है और मोदी जी पे विकसित। अरे ये लोग कह रहे हैं रुकिए, यहाँ से कम बात हुई है, ये उधर आवाज आ रही है कि सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी में। जी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस तरीके से आए दिन रोड पर जो कहते हैं कि जब भी निकलती है कहीं चेन टूट जाती है, इसी आगरा के अंदर कौन कह रहा है? अरे विधायक की पुत्र वधू के गले की चैन तोड़ ले गए। सच्चाई है, बिल्कुल झूठे हैं ये, कौन झूठा है? अरे विधायक जी को जो आदमी अपने साथ फेरो फोन कर सका, उसको क्या गारंटी दे रहे थे? साथ फेरो गारंटी दीजिए। अरे विधायक जी आज खुद 5 साल बाद दी गए हमें, आज तक हमने इनको दी गई। अरे ठीक है, मैं विधायक जी के पास चलता हूँ, रुकिए मैं विधायक जी के पास चलता हूँ। धर्मेश जी कई लोग कह रहे हैं कि आप दिखे ही नहीं, क्या है, जरा जवाब दीजिए उन्हें। मैं ये बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि अपराध कोई भी करेगा, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, कितना बड़ा नेता हो, उसका अगर कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ यह कार्रवाई होगी। इसी वजह से उसको बचाया नहीं गया, मंत्री पुत्र को, उसके खिलाफ FIR हुई है और अपना कानून अपना काम कर रहा है। इनके शासनकाल में क्या होता था, ये उनको ठीक है आप लोग कोई गेम चेंज कर पाएंगे कि गेम बिगाड़ेंगे? भाई मेरी बात पूरी हो जाए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके शासन काल में ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये थाने में घुस करके सीओ को और दरोगाओं को पीट देते थे, कानून व्यवस्था के टाइम पर पीटते थे। हाँ अच्छा रुक जाइए, नेताओं की बातचीत हो गई है, रुकिए। हिमांशु त्रिपाठी जी, एक आपका विश्लेषण फिर मैं जनता के बीच जाऊंगा जल्दी से। यहाँ के चुनाव को देखकर क्या 4 बार चौथी बार बीजेपी जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी, क्या समीकरण है? 20 सेकंड आपको दे रहा हूँ। आगरा में जो वर्तमान स्थिति है, जिला पंचायत अध्यक्ष, महान नगर निगम प्रमुख, सब बीजेपी, 9 विधानसभा भाजपा के 9 विधायक,
तो इस तरह से यहाँ पिछली बार 56% वोट बीजेपी को मिले थे और सपा बसपा गठबंधन से बड़ा गठबंधन कोई हो नहीं सकता, तो ऐसे में साफ लगता ठीक, है ठीक है। मैं मेरे कुछ आखिरी के राउंड में रुकिए नारेबाजी नहीं रुकिए। अरे सवाल सुनिए कितने लोगों के लिए रुकिए ना, कितने लोगों के लिए यहाँ पर कानून व्यवस्था मुद्दा है? हाथ उठाइए आप लोग, कितने लोगों के लिए कानून व्यवस्था मुद्दा है? कानून व्यवस्था यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है कि नहीं हुई है? अयोध्या कितने लोगों के लिए मुद्दा है? अयोध्या राम, मैं पूछना चाहता हूँ, पूर्व में मुलायम सिंह यादव जी खुद कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है, मैं पूछना चाहता हूँ महानगर अध्यक्ष सर जी से, क्या मुलायम सिंह यादव जो बेरोजगार है, बेरोजगार उसे मेरे ये भटके अयोध्या कितना बड़ा मुद्दा है? हमारे राम आ गए प्रभु राम। आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, अभी कुछ समय पहले एक विधायक जी का वीडियो वायरल हुआ था जब विधायक जी थाने में धरना दे रहे हो, एक सिपाही। मैं बताना चाहूंगा बनारस की, मैं अयोध्या की बात नहीं बनारस की बात कर रहा हूँ, बनारस में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, तो आप बनारस जाएंगे तो मथुरा चले जाएंगे। चलिए ये आज की स्थिति है, आगरा से मोहब्बत की दुकान क्या लोगों को पसंद आती है नहीं आती है मतदान में ये लोग तय करेंगे, लेकिन आज आगरा की धरती से इलेक्शन यात्रा में बस इतना ही। मुलाकात आपसे होगी कल, कहां मुलाकात होगी? मध्य प्रदेश में हम पहुंच जाएंगे, ग्वालियर में, इलेक्शन यात्रा का अगला पड़ाव ग्वालियर में कल आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल आज आगरा से बस इतना ही, चलते चलते देखिए ग्रीन लैंप, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। कांग्रेस की और इंडी गठबंधन की जो डोर है, वाकई में प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है कि उनकी जो डोर है वो कट चुकी है और उनकी डोर अब आकाश में खुले में उड़ रही है, अब उसे कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि अब मोदी जी की जो पतंग है वो 400 पार, क्या मैं बता रहा हूँ, और ज़्यादा अच्छे बेहतर नंबरों से इस बार देश में आ रही है। तो बहुत ज़्यादा जो उन्होंने बात कही है वो बिल्कुल सत्य है और इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। मोदी जी क्या बोलते हैं ये तो सही नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उनके बराबर कोई झूठ मतलब पूरे हिंदुस्तान तो क्या पूरे विश्व में नहीं है कोई नेता ऐसा जो झूठ बोलने में माहिर हो। वो कहते थे हम विदेश से काला धन लेके आएंगे, गरीबों के खाते पैसा आएगा 15 लाख रुपए, क्या किसी के खाते 5000 रुपए आए अब तक? बताइए, सच्चाई ये है कि ये अपने तरीके से सारी बातें बोल देते हैं लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है, बेईमानी के अलावा और कुछ नहीं, झूठ के अलावा।